और वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस ने दो ऐसे गैंग्स का खुलासा कर दिया है जो कि कैब, ऑटो रिक्शा और गाड़ियों को अपना निशाना बनाया करते थे और उसमें सवार लोगों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल पुलिस ने दो गैंग के 8 सदस्यों को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया है और इनमें से 5 नाबालिग हैं और 3 हिस्ट्री शीटर हैं। बाहरी जिला DCP समीर शर्मा के मुताबिक निहाल विहार और मुंडका इलाके में ये दोनों गिरोह वारदातों को अंजाम दिया करते थे। सभी आरोपियों पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और चोरी जैसे कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पांच जुवेनाइल इसमें इन्वॉल्व हैं और ये लोग क्या करते थे, ये लोगों ने पहले एक गाड़ी टैक्सी ड्राइवर से एक गाड़ी चोरी की थी, उसको चोरी करके उसके बाद उसी गाड़ी से इन्होंने इस AC मैकेनिक के साथ रॉबरी की और उसके साथ पैसे छीने। इससे हमने काफ़ी CCTV कैमरे चेक किए, इसमें हमने जो गाड़ी है, गाड़ी का हमें नंबर नहीं आया था, हमने उस पर कैसे उन्होंने बुक किया उससे भी हमने चेक किया, तो लास्ट में हमें इसे सफलता मिल गई है और इसमें हमने 5 जुवेनाइल्स को अरेस्ट कर लिया, अप्रीहेंड किया है।